हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं आपका मास्क का दोस्त सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द स्टडी एक्सपर्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आपसे वादा किया था, आ गए हैं आपके पास एसएससी में के जैसा हूबहू पेपर करके। जी हाँ, इस बार एसएससी कुछ इस तरह का पेपर बनाने के मूड से है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में इस बार आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन के तरीकों को समझिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ इस क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल द स्टडी एक्स को भी ज्वाइन करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल कुछ इस तरह से है, इफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 80 एंड ए बी इज इक्वल टू 16, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a माइनस 19b। तो दोस्तों देखिए, हमने दिया आपसे पूछा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 80, और साथ ही साथ हमने ये कहा है कि ए बी बराबर 16। अब आपको हमें बताना है कि 3a माइनस 19b बराबर कितना होगा। कुछ नहीं दोस्तों, अब देखिए ये कैसे हो सकता है 16। बस देखिए, हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करिए, आपका सवाल कभी गलत ही नहीं होगा। तो ये देखिए क्या है, इसमें 1 × 16 या 2 × 8 या 4 × 4। तो बात करते हैं इनमें से, बस हम क्या वैल्यू रख लेते हैं। अब मान लीजिए 1 यहां रखोगे, 17 का स्क्वायर कितना होता है बताइए। अब देखिए, स्क्वायर्स आपको सारे के सारे याद करना बहुत जरूरी है। खैर, 289 होता है 289, और 289 में से आप 17 × 34 माइनस करोगे तो नहीं आएगा, हटा दो। अच्छा, 2 रखा, 8 रखा, 8 × 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100 हुआ। ठीक है, यहां पर हमने कितना मान लेते हैं 100, और 8 × 10 = 20। हाँ ठीक है, यानी कि हमें मिल गया, हमें क्या मिल गया। अब देखिए, मिल क्या गया कि हमें या तो a बराबर 2 और b बराबर 8 है, या b बराबर 2 या a बराबर 8 है। बस देखिए, अब यहां पर हमको अपने आप पता करना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों, अगर हम रख देते हैं a बराबर 2 b बराबर 8 रखते हैं, तो जैसे a बराबर 2 रखोगे तो 3 × 6 माइनस 19 19 × 8 = 20, 8 = 160, 19 × 8 = 152। तो 152 और माइनस 6 होता है आपका 146 माइनस में, और ये माइनस 146 कहीं भी आपका ऑप्शन नहीं है। इसका 100% मतलब हो गया कि हमको निकला है a बराबर 8 माइनस b बराबर 2। तो 24 माइनस 38 बिकम माइनस का 14, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। तो दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। देखिए, अब 8 और 2 थे, हमें नहीं पता था कि ए 2 है या बी 8 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब कभी भी आप पेपर में दोगे तो ऑप्शन केवल एक होगा, या तो ये माइनस का 146 होगा या माइनस का 14 होगा। अब आपके ऊपर अगर ऑप्शन में देखते हैं तो आपको माइनस 14 दिया गया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ x + y + z = 0,
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3y² + x² + z² / 2y² - yx. तो देखिए क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो। तो वैल्यू निकालनी है 3y² + x² + z² / 2y² - xz, ये निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बताया है आपको, जब कभी भी आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म में कुछ भी दिया गया हो तो कुछ नहीं करना है, आंख बंद करनी है और रखना है 1 1 - 2। याद रखिएगा आज का आपका स्टडी एक्स का नुस्खा ये रहा। अब देखिए यहां पर y की जगह एक रखोगे तो 3 ही बचेगा, इसकी जगह भी एक और इस यहां पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए अब हम माइनस वन का होल स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, ये वैल्यू वहां रख रहे हैं, आप सॉल्व कर लोगे तो 2। अब देखिए माइनस माइनस यहां पर क्या हो जाएगा प्लस और यहां भी 2 हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो 8/4 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2। इसका मतलब आपका ऑप्शन फर्स्ट 2 एकदम सही है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एलजेब्रा में आपको बहुत मिलते हैं। आप हमारे एलजेब्रा के सेगमेंट इसी 35 डेज का, उसमें 3 एलजेब्रा के वीडियो बनाए गए हैं जिसमें इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबके बारे में बताया गया है। तो मात्र 2 घंटे में आपको एलजेब्रा पूरी वहां पर समझ में आ जाएगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, नहीं तो हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो 35 डेज क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करिए और जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है आप वो वीडियो वहां पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि पी क्यू आर का औसत वजन 71 किलोग्राम है, यदि P और Q का औसत वजन 66 किलोग्राम और Q और R का औसत वजन 76.5 किलोग्राम है तो Q का वजन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है इफ P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 71/3 एंड P प्लस Q औसत 66 है, यानी इन दोनों का जोड़ तो आपको पता ही होगा। उसी तरह इन्होंने कहा है कि Q प्लस R 76.5 - 2। अब देखिए दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ऐसे क्वेश्चन को कभी कभी बहुत हर क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं ढूंढी जाती। अब देखिए 66 गुना अगर आपको पता हो तो 60 गुना 120 132, इसमें ये भी जोड़ दीजिए। अब देखिए आपको 76 गुना तो नहीं पता, पर 70 गुना 140 और 13 होता है 153, यानी ये आपका आ गया 285। ठीक है, अब देखिए इस 200 ये ज्यादा हो रहा है क्योंकि यहां पर क्यू जो क्या है वो 2 बार आया है, तो हमको क्या करना है 285 में से आप 213 को क्या कर दें माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 72 यानी 72। आपका ऑप्शन बी पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में देखिए ट्रिक भी चलती है, लेकिन जो दिमाग में मेथड आपके पास सबसे पहले आए पेपर में केवल वही अप्लाई करिएगा। कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वाला मेथड अप्लाई करें या ये वाला मेथड अप्लाई करें। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रीलिम्स में बैठता है पूरी तरह से फिट, क्योंकि कई बार एसएससी में पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन जो कह रहा है कि 6² + 7² + 8² + 9² 6, 7, 8, 9 और 7 दिया है 10² अच्छी बात, बट्टा कह रहे हैं अंडर रूट 7 + 4√3 - √4 + 2√3। देखिए दो कॉन्सेप्ट लगा दिए,
ऐसे सवाल में क्या होता है कि नहीं, कॉन्सेप्ट हमको ज्यादा मिल जाते हैं। अब देखिए ऊपर क्या है, आपको पता है संख्याओं के वर्गों का योग। अच्छा संख्याओं के वर्गों के योग की अगर हम बात करें, अच्छा एक काम करते हैं, पहले आपको नीचे बता देते, तो नीचे क्या है देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है स्क्वायर रूट। अब ये अगर हटेगा तो किसी ना किसी का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर यहां पर प्लस है तो ये प्लस का, तो ये बनेगा दो गुणे रूट तीन। ये ए हो गया, ये बी हो गया, इनका स्क्वायर करोगे तो भैया मुझे पता चल गया, यानी ये लिखा हुआ है अगर हम बात करें अंडर रूट सेवन प्लस फोर रूट थ्री की, तो ये होता है कितना, टू प्लस रूट थ्री। एक चीज समझ में आ गई। यहां पर देखा जाए तो भैया यहां पर ये a बराबर हमको एक मिल रहा है और b बराबर हमको रूट तीन। अब ये बन गया किसका, रूट तीन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो आम केवल नीचे वाले हिस्से को अगर लिखें तो टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री माइनस वन, ये कट गया, यानी कुल मिलाकर के नीचे एक आ गया। एक चीज समझ में आ गई। अब रही बात ऊपर का मामला, नीचे कुछ नहीं तो ऊपर के लिए इसको आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक तरीका मैं बताऊं। देखिए इसका यूनिट डिजिट जीरो, इसका एक, इसका चार, इसका नौ और इसका छह। अब देखिए छह चार दस नौ उन्नीस और एक, यानी कि यहां पर यूनिट डिजिट हमारा जीरो आएगा। और अगर हम अपने ऑप्शन में देखेंगे तो केवल ऑप्शन डी, आपका ऑप्शन डी जो केवल 330 केवल इसमें ही यूनिट डिजिट में जीरो है, बाकी कहीं पर भी जीरो नहीं है। इसीलिए आपके क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर ऑप्शन डी यानी कि 330 हो जाएगा। सवाल को जितना बचा पाओगे समय उतना ही बचेगा, यहां का समय निकाल के दूसरे क्वेश्चन में लगेगा, दूसरे का तीसरे में लगेगा, तब जाकर के आपका ये पेपर क्वालिफाई होगा। जी हां, अब बढ़ते हैं आज के अपने सवाल नंबर पांच की ओर। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर पांच है वर्क एंड टाइम से, जिसमें यह कहा गया है ए बी एंड सी कैन डू अ जॉब इन 9, 12 एंड 36 डेज रेस्पेक्टिवली इफ दे वर्क अलोन। ए लिव्स आफ्टर दे हैव वर्क टूगेदर फॉर 3 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन बी सी डू द रेस्ट ऑफ द जॉब। ठीक है, करते हैं दोस्तों। तो देखिए ए बी एंड सी कैन डू द वर्क इन 9, 12 एंड 36 डेज। तो टोटल वर्क के लिए मैंने बताया था HCF ऑफ दिस, दिस इज द वन डे वर्क, एक दिन में किया गया काम, इस पर बहुत कुछ नहीं बताना है। फिर 3 दिनों तक इन लोगों ने एक साथ काम किया और उसके बाद ए छोड़कर चला गया। तो हमने बताया था आपको जब कभी भी कोई काम छोड़कर जाएगा तो उसका वो काम हटा दीजिए। अब देखिए एक 3 दिन बाद, तो 3 दिन में ए ने कितना काम किया होगा, 12। तो हम एक काम करते हैं, यानी कि इस 36 वाले काम में, 36 काम में से 12 ए के हटा दे तो वर्क हमारा कितना रह गया बताइए भैया, 24। और इस 24 काम को बी और सी एक दिन में कितना करते हैं, 4। तो 24 काम को कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में करेंगे। बिल्कुल सही, यानी बी और सी ने कुल 6 दिनों तक काम किया और इस 6 में से 3 दिन ए के साथ हटा देंगे तो अकेले बी और सी ने अगले 3 दिनों में आपके काम को पूरा कर लिया था। समझ में आ गया ना भाई, क्या किया हमने, ए के काम को हटा दिया, हमें टोटल पता चल गया, बी और सी बाकी का बचा काम 6 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, अब उस 6 दिन में उन्होंने 3 दिन ए के साथ किया था तो बिना ए के 3 दिन चला गया, और आपको बिना ए वाला बताना था, इसीलिए आपका ऑप्शन ए पूरी तरह से सही हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, फटाफट करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, सब पेपर में ऐसा ही कुछ आने वाला है, मैं फिर बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है हमारे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, जहां पर यह कहा गया है
साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में मूलधन 15% बढ़ जाता है। उसी दर पर 15 लाख रुपए पर 3 वर्ष बाद लगभग कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? ठीक है, देखिए अगर हम एसआई की बात करें तो 3 इयर्स में आपको मिल रहा है 15%, यानी 1 ईयर में आपको कितना मिल रहा होगा? 5%। अच्छा, एसआई और सीआई की बात करें तो वैसे तो 5% के हिसाब से सीआई फॉर 3 ईयर होता है 15.7625%। ये डाटा कुछ है जो हमको याद रखने पड़ते हैं, बट हम आप वो नहीं करेंगे, समझिएगा। सबसे पहले देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, 15% से बस थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 1% का भी 3/4, 0.75 क्या होता है, 3/4 होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है 15 लाख, तो 15 लाख का भाई साहब 10% बताना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सही। ये होता है 15 लाख का आपका 1.5 लाख, 1.5 लाख को और आधा कर दो तो 0.75 लाख हो जाएगा। तो एग्जैक्टली अगर हम 15% की बात करें तो 15% कितना हो गया, 2.25, और हमारा आंसर इस 2.25 से बस थोड़ा सा ज्यादा होना है। और अगर अपने ऑप्शन को देखें तो 2.25 के पास में सबसे पास में है ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है 2.36, और यही आंसर आपका पूरी तरह से सही है। यही है सही मेथड, कहीं नहीं जाना है, ऐसे ही लगेंगे आपके सारे सवाल, देखते ही आंसर ना लगाइएगा तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बताइए, मैं पर्सनली आपको इन क्वेश्चन को समझा सकता हूं। मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने तरीके को सही करना है, तरीका सही तो जिंदगी भी सही हो जाएगी। जिंदगी कैसे सही होगी, जैसे ही आपको ये नौकरी मिल जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल नंबर 7 कुछ इस तरह से है कि एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी है, यदि मिश्रण में 36 लीटर पानी डाला गया तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा, तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध था? बहुत आसान सवाल है ये, उस कॉन्सेप्ट पर है जब मिश्रण में कोई चीज मिलाई जाती है डायरेक्टली, या जब मिश्रण की कोई क्वांटिटी निकाल करके कुछ मिलाया जाता है। अब हम बात करते हैं ओरिजिनली, तो एक मिल्क था एक वाटर था, 11 मिल्क था और 2 वाटर था, ये क्या था ओरिजिनली। फिर क्या किया गया इन्होंने, इसमें 35 लीटर पानी 35 लीटर आपने वाटर ऐड किया है, तो उसके बाद ये रेशियो हो गया 2 और 1। भाई साहब जरा बताइए आपने गड़बड़ किसमें करी, आपने केवल पानी मिलाया था ना, तो ये दूध कम ज्यादा कैसे हो गया, दूध तो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। तो सबसे पहले जिस क्वांटिटी को डिस्टर्ब नहीं किया गया है हम उसको बराबर करते हैं, तो 11 और 2 सबको मालूम है 22 पर मिलेंगे, तो इस रेशियो को 2 से और इस रेशियो को हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर देखिए ये 22 आएगा और ये आएगा 4, और यहां बात करें तो ये भी 22 आएगा और ये आएगा 11। बस देखिए कितना पानी मिलाया गया, डिफरेंस देखिए, पहले पानी 4 था बाद में 7 हो गया, 7 मिलाया गया। बस अगर सीधे मिलाया गया है तो 7/sum of upper ratio, अगर निकाल के मिलाया गया होता तो 7/sum of lower ratio होता, यहां पर क्या होगा अपर रेशियो, 22/4 कितना होता है 26, देख लीजिए पक्का। और 7/26 हमारा किसके बराबर है जरा देख लीजिए, 35 के बराबर है। तो भैया अगर 7/26 आपका 35 के बराबर है तो आपसे क्या पूछा गया है, इसमें
तो वास्तविक मिश्रण में शुद्ध दूध कितना था? तो वास्तविक मिश्रण में शुद्ध दूध कितना था? 11 था। तो दोस्तों चलिए 7/26 बराबर इतना, तो पूरा अगर हम देखें तो पूरा आ जाएगा हमारा 1 बराबर टोटल 35 × 26/7 यानी 7×5 = 35। तो पूरा हमारा था 26×5। ठीक है, अब इस 26×5 को टोटल कितना है? 13। क्या अब देखिए 26×5 को 11 और 2 के रेशियो में आपको बांटना है, कुछ मत करिए, 11 और 2 13 इंटू 11, 13 × 26, 5 × 10 11 दामा 110 था हमारा इसमें क्या मिल्क। और उसके बाद में अगर हम देखें तो 13 × 5 × 10 और 20 क्या था? पानी। आपको यह बताना था, यानी कि आपका ऑप्शन ए पूरी तरह से सही है। वैसे दोस्तों हम 11 का मल्टीपल पहले चेक करते, लेकिन अगर हम 11 का मल्टीपल ही चेक करते तो प्रॉब्लम हमारे पास एक दूसरी खड़ी थी कि 11 के मल्टीपल में हमारा ऑप्शन ए बी और सी तीन होते। तो हमने क्या किया, सबसे पहले टोटल क्वांटिटी निकाली और फिर उसमें हमने मिल्क का प्रोडक्ट बता दिया। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 8 कुछ इस तरह से है कि ए बी सी किसी बिजनेस में 4:5:5:7 में निवेश करते हैं, सी स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वो एक्टिव पार्टनर होता। यदि उन्हें 36,000 रुपए का लाभ होता है जिसमें से 25% वो फिर से बिजनेस में डाल देते हैं तो बचा हुआ हिस्सा कितना? तो देखिए अगर सी एक्टिव पार्टनर होता तो पैसा मिलता उन्हें 4:5:7 के रेशियो में, बोली हां या ना? 4:5:7 बिल्कुल सही। लेकिन सी है स्लीपिंग पार्टनर तो उसको मिला आधा, यानी अब पैसा बट रहा है 8, 10 और 7 के हिस्से में, बोलिए हां या ना? ठीक है। अच्छा पैसा बांटने वाली अमाउंट कहां है भाई? अमाउंट है हमारे पास 36,000। ध्यान दीजिए आंसर एक लाइन में 36,000, और 36,000 भी पूरी नहीं है। क्यों? उसका 25% चला गया, यानी बची कितनी? 3/4 बटना है। कितने हिस्सों में बटना है? 10, 8, 18 और 7, 25। किसका हिस्सा बताना है ये भी देख लेते हैं। बी, तो बी का कितना है? 5। बी का कितना है? सॉरी 10 है, ये लीजिए इंटू 10। बस ये देखिए इतने में सवाल आ जाएगा, करेक्ट? ये लीजिए ये आ गया। अब 9,000 को थोड़ा देर के लिए 100 यहां कर लिया, ये आ गया 4। अब देखिए अच्छा 4 × 3 = 12, 9 = 108, यानी कि हमारा आंसर अगर देखा जाए तो 10,800 रुपए बी का हिस्सा है। दोस्तों देखिए बड़ा छोटा सा करके दिखाया, क्या किया हमने, सबसे पहले देखा पैसा कितना बांटा जाने वाला, वो पूरा पैसा जाहिर सी बात है इनके हिस्से के बराबर में हमने डिवाइड किया, और टोटल किसका निकालना था उससे मल्टीप्लाई किया। यूनिटरी मेथड को देखिएगा बहुत आसानी से लग जाएगा। और बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल नंबर 9 कुछ इस तरह से है, इफ n इज इक्वल टू 2×299×5×3002 है, तो इस संख्या के अंकों का योग कितना है? यानी पूछा गया है सम ऑफ यूनिट डिजिट। तो दोस्तों एक काम करते हैं, इस 5 को भी 2×299 है, इंटू 5 को भी आप 2×99×5×3 अलग कर दो। अब इसको देखिए, इसको देखें तो ये हो जाएगी 10×299×125, यानी आप सब जानते हो अब जो आएगा वो 125 के आगे 0,0 आएगा। अब संख्याओं का योग बताना है तो इसके आगे 0 का कोई मतलब नहीं है, संख्याओं का योग 1 + 2
प्लस फाइव, यानी कि आपका आंसर 8 और आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। तो क्या किया हमने दोस्तों, 2 और 5 को एक साथ मिलाया, 10 बन गया। 10 का स्क्वायर जितना भी कर दो 1 में ही आएगा। इसका मतलब 125 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सब जीरो। अब अंकों को जोड़ोगे तो जीरो का कोई मतलब नहीं रहा, यानी कि 125 हमारा सही हो गया। हां, इसी में एक चीज आपसे और पूछ सकता था, नंबर ऑफ डिजिट। तो नंबर ऑफ डिजिट में देखिए क्या होता है, जितनी भी पावर लगी होती है 10 की उससे एक ज्यादा, तो 3000 और इसमें से 2, तो नंबर ऑफ डिजिट इसमें हो जाएंगे 3002। इन दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल नंबर 10 कुछ इस तरह से है, कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को 125% से बढ़ा देता है और 25% की छूट देता है, तो अगर उसका सीपी 640 है तो सेलिंग प्राइस बताना है। अभी बताते हैं 125%। तो दोस्तों 125% को फ्रैक्शन में तुरंत पलटो, 5/4, यानी अगर उसकी चीज 4 की थी तो उसने 5 बढ़ा दी, मतलब कितनी कर दी, 9 कर दी, पक्का। चलिए, यानी कि अब सीपी कितना है हमारे पास, 640 को बढ़ा करके कितना कर दिया आपने, 9/4, 4 से 9 बढ़ा दिया, और फिर इस पर छूट आपने दे दिया 25% की, आप छूट दे रहे हो, तो 25% की छूट का मतलब 1/4, तो 4 में 1 की छूट दे रहे हो तो 3/4 बोल रहे हो। 4 चौक 16 चक्कू 64 होता है और 4 12 9 108, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस है 1080 और आपका ऑप्शन ए इस केस में पूरी तरह से सही हो जाता है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल करके करना दुनिया का सबसे आसान मेथड माना जाता है, तो जो चीज आसान है उसको आसान तरीके से ही करिए। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 11 आता है ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस पोर्शन से। वहां पर क्या है, एक भवन जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है के ऊपर एक मीनार खड़ी है। मतलब हमारे पास यहां पर क्या है, एक भवन है, इसके ऊपर एक यहां पर इस तरह से एक मीनार खड़ी है। फिर कह रहे हैं कि मीनार के शिखर तथा पाद बिंदु से एक भूमि पर अवनमन कोण, मतलब यहीं पर एक पॉइंट है, यहां पर ये दो कोण बना रहे हैं, एक बना रहा है 60 और दूसरा बना रहा है 45। अब देखिए दोस्तों 60 वहां से बना रहा है और ये कितना बना रहा है, 45। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो बिंदु से ये बनता है, ऐसे बनता है, यानी ये 60 बन रहा होगा और यहां के जाएंगे तो ये 45, तो इसका मतलब ये 30 हो जाएगा और ये हमारा 45। देखिए होता क्या है, जब ये बनाओगे तो ये 45 अवनमन कोण, वैसे अवनमन कोण उन्नयन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं अल्टरनेट एंगल की वजह से। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं कि आपको यह बताना है इस मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो दोस्तों एक काम करिए, इस 45 और 60 को कंफ्यूज ना हो तो उसके लिए हटा दीजिए। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको हम क्या मान ले, डी मान लेते हैं, तो ये हमारी देखो ये भी 45 है, ये एग्जैक्टली एच होगी, लेकिन ये भी कितनी हो जाएगी, 40। तो अगर इसको आप तिरछा देखें तो आपने पढ़ रखा है, होता है डी बराबर एच कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। तो डी हमको बताना ही है, एच कितना है 40, अल्फा कॉट कितना है 30 माइनस कॉट 45, और यहां पर जब आप जाओगे तो आंसर मिलेगा 40√3 − 1, और जब आपको ऐसा मिलेगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह से सही हो जाएगा। 1 2 3 तीसरे स्टेप में हाइटेस्ट डिस्टेंस के हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है।
और अब हम बढ़ेंगे आज के अपने सवाल नंबर 12 की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल नंबर 12 कुछ इस तरह से है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, एक वृत्ताकार बगीचा जिसकी त्रिज्या 350 मीटर है पर पार करने में आदमी द्वारा कितने समय कितना टाइम लिया गया, आपको मीटर पर सेकंड। तो पहले भैया स्पीड किलोमीटर पर घंटा को छोटा करना है, 5/18 से बताया है, बड़ा करना है तो 18/5, छोटा करना है तो 5/18, तो ये जो भी आपका आंसर आ जाएगा 50/9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दूरी कितनी है, तो क्योंकि वृत्ताकार मार्ग है दूरी आपकी हो जाएगी 2πr यानी 2×22/7 इंटू त्रिज्या है 350। अब टी निकालना है समय, तो यही दूरी डिवाइडेड बाई 50 और 9 आपका ऊपर, 5/7 खत्म। यानी समय जो हमको लगने वाला है 22×44 सेकेंड, अगर हम केवल यूनिट डिजिट की बात करें तो 6 आएगा, 6×2 में आ रहा है, कोई बात नहीं, हम सीधे सीधे 9×36 3×9=36 और 3×39 आंसर विल बी 396 और आपका ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। और जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले सवाल नंबर 13 की ओर में। दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो थोड़ा जल्दी चल रहा है तो आप हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके खुद लगाइएगा और फिर आप अगले क्वेश्चन पर बढ़िएगा। कोई जरूरी नहीं है कि जितनी तेजी से वीडियो चल रहा है आपको उतनी तेजी से ही बढ़ना है, हमारे पास समय की कुछ लिमिटेशंस है इसलिए हम आपको जल्दी करा रहे हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल नंबर 13 कुछ इस तरह से है कि दी गई आकृति में आपको ओ एक केंद्र है, एक्स वाई उसका व्यास है, बिंदु सी पर स्पर्श रेखा है, एंगल दिया गया है, दूसरा एंगल बताना है। बस 2 मिनट में सवाल को करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पास एक सर्किल है, ये यहां पर टच हो रहा है, सर्किल ठीक नहीं बना है, ध्यान मत दीजिएगा, आप केवल व्यास को देखिएगा, ये ओ है, ये ए है और ये क्या है, सी है, सॉरी ये हमारी बी है, सी पर तो ये स्पर्श कर रही है, ठीक है आपके पास। अच्छा एक चीज समझिएगा, ये व्यास अगर है तो ये तो 90 डिग्री हो गया, इसको खत्म मारिए। फिर कह रहा है एंगल ए सी एक्स, एक्स कहां है, अच्छा ये एक्स है ये वाई है, तो ए सी एक्स ये एंगल आपको दिया गया है 35 डिग्री देने की बात कर रहे हैं, आपको सी ए बी ये भाई साहब के बारे में बताना है। तो दोस्तों अगर ये 35 है तो एंगल और अंडरलेट सेगमेंट से ये भी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और हम सब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90+35+x=180 के, यानी x=180-125 यानी आंसर आएगा 55 डिग्री और आपका ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट हमने कौन सा लगाया, एंगल ऑन अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री और हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले सवाल नंबर 14 की ओर। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 14 भी है फिगर पर बेस्ड, जिसमें कहा जा रहा है कि दी गई आकृति में PQRS सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, जहां PQ=60 डिग्री दिया गया है, तो त्रिभुज PQR का एरिया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा ऑप्शन से करने के मूड में हूं, सवाल कह रहा है कि आपके पास, इसके बगल में ही बना रहा हूं, अगर आप देखें तो आपके पास एक ये वर्ग है 8, 8, ये आपके पास PQR और ये क्या है S है। अच्छा ये थोड़ा सा उल्टा बना है, आपके फिगर की बात करें तो कुछ PQR और S इस जैसा बना हुआ है। अच्छा और उन्होंने यहां पर हल्का सा एक O दिया है 60 डिग्री। अच्छा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो एक ऑप्शन आपके पास है 32√3,
एक ऑप्शन आपके पास है 24 रूट 3 प्लस 1, एक ऑप्शन आपके पास है 48 रूट 3 माइनस 1 और एक आपके पास है 16 3 माइनस रूट 3। बस यानी ये हमारे चार ऑप्शन। जल समझिएगा दोस्तों, आप मेरे अप्रोच को समझने की कोशिश करिए, मैं होता तो इस सवाल को कैसे लगाता। मालूम है विकर्ण क्या होता है, वर्ग को आधा करता है, तो पूरे वर्ग का अगर 64 है तो ये 32 हो गया, यानी कि ये पूरा हमारा कितना आ गया 32 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब PQR अगर 32 है तो PQO का क्षेत्रफल पूछा जा रहा, 100% 32 से कम होगा, और अगर 32 से कम होगा तो ऑप्शन ए और सी आपके खत्म हो जाएंगे क्योंकि 32 से ज्यादा है। दूसरी बात, अगर आपको मेरी बताई गई एक बात ध्यान हो, जहां पर मैंने बताया था कि अगर ये 90 डिग्री बना ले, ये 60 है ये 30 है, तो 60 के सामने रूट 3 होता है और 30 के सामने 1 होता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहां देखें तो ये वाला हिस्सा आपका अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और इन्हीं दोनों का जोड़ कितना है 32। बस खत्म सवाल। रूट 3 प्लस 1 बराबर अगर आपका 32, तो आपको रूट 3 निकालना है, तो 32 बटे रूट 3 प्लस 1 और ये रूट 3। आगे करने नहीं जा रहा हूं, कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपको यहीं से आंसर तो पता चल ही गया। भाई आंसर कैसे पता चल गया, ये 3 माइनस 2, यहां पर 16 आने वाला है, और आपको जो 16 मिलेगा वो केवल ऑप्शन डी पर ही मिल जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी एकदम सही होगा। तो दोस्तों बेसिकली मैं आपको बताऊं, यहां पर मेथड नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं पेपर में अगर ऑप्शन होंगे तो ऑप्शन के साथ आपको कैसे खेलना है, तभी पेपर लगेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अगला क्वेश्चन 15 दोस्तों कुछ इस तरह से है कि एक तल लंब वृत्तीय शंकु को समान आयतन वाले दो भागों में विभाजित करता है, यदि तल आधार के समांतर काटा गया हो तो शंकु की ऊंचाई को किस अनुपात में बांटा गया। बहुत आसान सवाल दोस्तों, शंकु पर काटने पर मैंने बहुत सारे सवाल आपको बता दिए, कहना यह चाह रहे हैं कि एक कोण है, इसको ऐसा काटा गया कि ये वैल्यूम ये वैल्यूम ये दोनों आपके बराबर हो गए, तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ऊंचाई बताओ कैसे गई। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो आयतनों का अनुपात होगा दोनों के, दोनों की ऊंचाइयों के अनुपात के घनों के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अच्छा ये b1 b2 जो एक्चुअली में हम यहां पर b1 b2 ना करके इसको हम b1 मान रहे हैं, इसको हटा के इस पूरे का वैल्यूम हम b2 मानेंगे, तो h1 हमारी ये हो गई एग्जैक्टली और पूरी हमारी h2 थी, ठीक है। और हमको बताना क्या है, मान लीजिए हमें ये वाली बतानी, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, पहले निकाल ही लेते हैं, तो ये बराबर बराबर मतलब 1/2 का यहां पर क्या लग जाएगा क्यूबिक रूट बराबर h1/h2। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो h1 और हमारा h2 का रेशियो 1:3 यानी कि पूरी अगर हमारी क्यूबिक रूट 2 हाइट थी तो ये हाइट हमारी 1 हो गई, तो नीचे वाली हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 1 माइनस क्यूबिक रूट 2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा हाइट को काटा गया है 1:3 में, ये है हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका पूरी तरह से सही है। और इसके बाद हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 16 की ओर। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 16 कुछ इस तरह से है, इफ p = 7 + 4√3 एंड PQ = 1, तो आपसे कहा गया है कि 1/p² + 1/q², तो अगर हम इसको थोड़ा ध्यान दें दोस्तों तो पूछा गया p² q² / pq² तो नीचे तो दोस्त 1 है, 1 ही हो जाएगा पक्का। अच्छा इधर देखिए, अगर p = 7 + 4√3 तो q = 7 - 4√3 पक्का, इन दोनों का जोड़ चाहिए, तो आप सबको मालूम है कि a + b का होल स्क्वायर
प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इसी को यहां पर लगा दीजिए तो टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए अब देखिए ये कर दें तो दो को बाहर ही रखते हैं, अंदर अगर हम देखें तो आएगा 49 प्लस 16 दिया 48, तो 48 नौ सात यह आएगा 2×97 यानी आंसर है आपका 194 और आपका ऑप्शन सी पूरी तरह से सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले सवाल नंबर 17 की ओर। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 17 भी कुछ इस तरह से है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4b प्लस 6a माइनस 13, तो आपको बताना है कि a प्लस बी बराबर कितना। तो दोस्तों इसको पूरी मेथड तो मैं ले जाता हूं, पहले बताता हूं फिर बताऊंगा कि आगे कैसे देना है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ, जाहिर सी बात है a और b का मतलब इनका स्क्वायर बड़ा, सबको एक तरफ ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 6a प्लस 13 बराबर 0। अब भैया क्या करना है अब समझिएगा, इनको बनाना है फॉर्मूले में, तो ये लिखा है 2×3 और ये लिखा है 2×2 और इनका स्क्वायर देखो 4 और 9 यानी 13 को तोड़ दीजिए 4 और 9 में, तोड़ दिया तो अब लिख लिया हमने ए स्क्वायर प्लस ये वाला 4 और माइनस 6a एक ब्रैकेट में, ए के साथ 2 है यहां पर हमने 9 लेंगे क्योंकि ये 3 का स्क्वायर 9। उसी तरह बी में करेंगे बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4b और आप अगर समझदार हो तो ये बन गया a माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये बन गया b माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहां से a और b के बारे में बताना नहीं, a 3 हो गया b 2 हो गया और a प्लस बी पूछा गया है तो 3 प्लस 2 यानी आंसर आ जाएगा भाई साहब 5 यानी कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगली बार जब पेपर में आए तो आप यही से आंसर बताएंगे, मेथड तो बता दिया, यहां पर आंसर कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। जब आपको यह सवाल मिला और यह निकालना है तो आपके दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो गई, भाई साहब इसके से ही हमको यह पतेगा वैल्यू क्या, क्यों, क्योंकि यह बनेगा होल स्क्वायर, तो यह 2 के मल्टीपल में इसमें जितना भी लिखा है 2×2×b तो b का मान कितना मिल गया हमें 2। इसी तरह यहां पर देखो तो लिखा है 2×3×a तो a का मान कितना मिल गया हमें 3 मिल गया, देखो a बराबर 3 b बराबर 2। बस ध्यान क्या देना है, ये इधर आए अगर अगर ये इधर माइनस में होता तो ये भी माइनस में मिल जाएगा, अगर ये प्लस में है तो इसका मान प्लस में रहेगा और इस कॉन्सेप्ट को जब आप करोगे तो पेपर में आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा बल्कि बहुत जल्दी लग जाएगा। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले सवाल नंबर 18 की ओर। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 18 फिर से ट्रिग्नोमेट्री से ही आया हुआ है जिसमें आपसे कहा गया है कि 2 ब्लैक पेन ले लेते हैं 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना है। एक लाइन में मैं क्वेश्चन करूंगा दोस्तों, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पेशेंस रखिएगा, सवाल आसान है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कॉट स्क्वायर थीटा नीचे वाले कॉट स्क्वायर थीटा से कट जाएगा, रुके रहो, 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है क्या, ये होता है अगर हम इसकी बात करें तो ये sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाओगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1
और एक बच्चा भी जाता है, इसका आंसर होता है cos 2 थीटा। और जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही था। पेपर में ऐसे ही करेंगे, बार बार आप जब स्टेप को लिखते हो ना, तो वो भी तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। जितना छोटा और जितनी ज्यादा चीजें आप अपने माइंड से सॉल्व कर सकते हो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम ही ज्यादा बनेगा जाके। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले सवाल नंबर 19 की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल नंबर 19 कुछ इस तरह से है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समरूपी वृत्त यदि उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि उनकी तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई। तो देखिए, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा यानी जिसको हम लोग डायरेक्ट डीसीटी बोलते हैं, वो होती है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। और जो पूछना चाह रहे टीसीटी, वो होती है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। यही कह रहे हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी दोनों की त्रिज्या। अब यहां पर देखिए, अगर ये दोनों बराबर थे तो ये तो जीरो हो गया। इसका मतलब जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इस केस में आपकी जो थी, ये बराबर हो गई आपकी डी के बराबर में, पक्का। अब टी निकालना है तो अंडर रूट डी का मतलब जो आपको डीसीटी दी गई है, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 26 का स्क्वायर माइनस, देखें आर दोनों बराबर है, 10 प्लस 10 यानी 20 का स्क्वायर। और आप लोग इतने समझदार हो कि लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ए प्लस बी 46 माइनस ए, तो 46 माइनस ए में से आप देखो दो यहां से दो यहां से दो और 23 तियाई मुझे लग रहा है 69, यानी 2√69। जी हां, आपका ऑप्शन ए पूरी तरह से सही है। समझ आया ना? देखिए यहां पर आर माइनस आर दोनों 10 माइनस 10 करोगे तो जीरो हो ही जाएगा। जब ये जीरो हो गया तो ये सीधे सीधे डी के बराबर, यानी वो जो हमको अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा दी गई है, एग्जैक्टली वो कहना चाह रहे हैं कि केंद्रों के बीच की दूरी। रख करके हमने अपने आंसर को निकाल दिया। अब बढ़ेंगे दोस्तों सवाल नंबर 20 की ओर। तो सवाल नंबर 20 बहुत आसान है, तुरंत खत्म करेंगे। देखिए क्या है, द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षेत्रफल, तो हाइट जो होती है भाई साहब √3/2a, आपको दिया गया है कितना 18, और आपसे कह रहे हैं कि √3/4a² बताओ। तो भैया a बराबर अगर हम देखें तो आएगा 18 × 2 √3/3, सॉल्व करिएगा तो 12√3, तो √3/4² × 12√3 और ये आ गया 12√3। तो 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36 और 36 तियाई होता है 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन भी पूरी तरह से सही है। और जल्दी से बढ़ेंगे सवाल नंबर 21 की ओर, क्योंकि आज हम करा रहे हैं आपको पूरे 25 सवाल। तो दोस्तों अगला सवाल हमें दिया गया है कि x बराबर √3 + √2, y बराबर √3 - √2, और तब आपसे पूछा गया है कि, सवाल को मैं सही करके लिख रहा हूं, x³ - y³ - 22√2 = कितना। समझिए, ये आपसे सवाल पूछा गया है। जी हां, अब आप देखिएगा, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके पास 3 दिया गया है, बी आपको 0 दिया गया है, सी आपको 1 दिया गया है और डी आपको 2 दिया। इस सवाल को मैं करूंगा नहीं दोस्त, करने वाला सवाल नहीं ये, कल समझिएगा। समझिए, अगर हम यहां से x³ का मान निकालेंगे तो ये रूट में आएगा कि नहीं आएगा, परफेक्ट नंबर तो नहीं है। y को भी अगर हम निकालेंगे ये भी क्या आएगा, इसको रूट में आएगा, y³ निकालोगे रूट में ही तो आएगा, और ये भी ऑलरेडी रूट में है, और रूट का जोड़ या घटाना हमेशा रूट ही देगा।
पक्का, यानी इस एक्सप्रेशन का मान या तो रूट में होगा या जीरो होगा। ऑप्शन में देखिए, रूट में तो कोई भी ऑप्शन नहीं, यानी कि जीरो आपका आंसर सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, रूट टू प्लस टू रूट टू थ्री रूट टू होगा, मतलब जोड़ने या घटाने में कभी भी रूट खत्म नहीं होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को लगा दीजिए। सीजीएल 2015 मेंस में यही सवाल पूछा गया था। अब बढ़ेंगे दोस्तों सवाल नंबर 22 की ओर। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 कुछ इस तरह से है कि एक आदमी एक स्थान पी से चलना शुरू करता है और स्थान क्यू पर 7 घंटे में पहुंचता है। वह अपनी दूरी का 1/4 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और शेष 12 किलोमीटर की तो दूरी बतानी। तो दोस्तों इसको ऑप्शन से ही करना सबसे बेहतर है, 90, 72, 70 और आपके पास ऑप्शन है 80। चार ऑप्शन हमने ले लिए। सबसे पहले यात्रा का 1/4, तो यानी कि पहले तो हमारा ऑप्शन 4 से कटना चाहिए, तो उस हिसाब से भाई साहब आप दोनों हटा दो। तो 1/4 यहां से अगर हम निकालें तो ये आएगा 18 और यहां निकालें तो 20, यानी बचा इसमें कितना, 72 में से आप 18 हटा दीजिए तो बच गया आपके पास इधर 54 और यहां बच गया 60। समझिएगा, इसको 10 से चल रहे हैं, इसको 12 से चल रहे हैं और इन दोनों का जोड़ आना चाहिए 7 घंटे। तो भाई साहब अब मैं नहीं बताने वाला, आप खुद बता दो कि 7 इससे आएगा कि इससे आएगा। क्लास 6 का बच्चा बताएगा इससे आएगा और इसीलिए आपका आंसर नंबर डी यानी कि 80 पूरी तरह से सही हो जाएगा। स्पीड एंड टाइम मैक्सिमम क्वेश्चन थ्रू द ऑप्शन, यही करना है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल नंबर 23 कुछ इस तरह से है, कह रहे हैं कि साइन 4x प्लस साइन 4y अपॉन साइन 4x माइनस साइन 4y इनटू टेन 2x माइनस 2y का मान। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, साइन c प्लस d बराबर होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। उसी तरह साइन c माइनस d बाई बराबर, अब देखिए इसको ये होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2, थोड़ा सा डायरेक्ट करना पड़ेगा, इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। भाई बाई 2 चार चार है, 2 कट चुका है, उसी तरह नीचे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन 2x माइनस 2y अपॉन कॉस 2x माइनस 2y। ये कट गया। अब देखिए कॉस 2 माइनस इधर से कट गया, साइन 2 माइनस इधर से कट गया। अब इसके बारे में मुझे नहीं बताना कि साइन अपॉन कॉस होता है टेन 2x प्लस 2y, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह से सही है। 1, 2 और तीसरा स्टेप आपके आंसर के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल नंबर 24 की ओर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों 24 और 25 नंबर सवाल हैं डीआई के, डाटा इंटरप्रिटेशन के। तो बहुत ही सवाल आसान सवाल है, डीआई आप देख रहे हैं मैं केवल सवाल बोलता हूं। सवाल कह रहे हैं कि 1995 में तैयार माल, 1995 में जो तैयार माल है, तो भैया 1995 में अगर आप डीआई में देखें तो आपके पास तैयार माल है 200 रुपए का। पूछ रहे हैं 97, 98 और 99 के रॉ मटेरियल के औसत, तो 97 300, अब देखिए 97 का 375 है, 98 का 330 है और अगर आप 99 का देखें तो 525,
का बटा 3 निकालेंगे तो ये आ गया 410। ये इसका कितना परसेंट है? बड़ा आसान सवाल है दोस्तों, 2000 बटे 41। अब देखिए वैसे 400 का 10 50% से ये थोड़ा सा कम होगा, और 50% से अगर थोड़ा सा कम की बात करें तो आपका ऑप्शन सी 49% इस रिश्ते से पूरी तरह से सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे दोस्तों आज के अपने आखिरी सवाल नंबर 25 की ओर। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 बहुत आसान है। देखिए प्री में डीआई आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पूछी जाने वाली है, यहां पर बहुत आसान पूछा जाएगा, तो बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, जो कहा गया है उसको ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि किस वर्ष में कच्चे माल और निवेशित, कच्चे माल में निवेशित राशि और तैयार माल की बिक्री का अंतर सबसे अधिक, मतलब जहां पर काले और व्हाइट बार का अंतर सबसे ज्यादा। तो देखिए क्या है, 95 में अंतर है 80 का, देखिए 96, 97, 98, 99 और ये 2000, सबका अंतर अगर हम देखें तो हमको 95 में 80, 96 में हमको 75 दिखाई दे रहा है, 97 में 125 दिखाई दे रहा है, 98 में 70, 99 में 75 और 2000 में केवल 30। तो इनमें सबसे बड़ा देखा जाए तो 125 किस साल की बात है, 1997 की बात है, यानी आपका ऑप्शन सी यहां पर भी एकदम सही है। तो दोस्तों ये था हमारा एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का एक सैंपल पेपर, पेपर कुछ ऐसा ही आएगा ये मैंने आपको बता दिया है, बस अब बारी है आपकी मेहनत से तैयारी करने की, क्योंकि मेहनत का अल्टीमेटली कोई भी दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं है। जब तक आप मेहनत, ईमानदारी से मेहनत नहीं करोगे, एग्जाम में बैठने लायक भी नहीं बन सकते थे। तो दोस्तों मौका है, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, एक गवर्नमेंट जॉब आपका इंतजार कर रही है कि कह रही आओ मुझको अपने साथ ले जाओ, तो आंख बंद करिए, सोचिए अपने बारे में, जब आप एक स्टूडेंट से बनेंगे एक गवर्नमेंट सर्वेंट, लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आपका इंतजार कर रहा है, और कब, बस इनको छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करके मिलना है। तो दोस्तों लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।